मम्मा को बहुत परेशान करते। ये आपके भतीजे की बुक्स हैं। पसंद है बहुत ज्यादा। अमन आजा खाना खा लो, खाना खा लो, खाना बना दिया मम्मा ने। आजो आजो आजो, खाना आजा खाना। वाह हाय कर दो, हाय बोलो, हाय हे नमस्ते कर दो, नमस्ते जय। हाँ गुड बॉय, शाबाश। हे गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? राम राम, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माफी चाहता हूँ आप लोगों को, फैमिली ब्लॉग के लिए इतने देरों तक वेट करना पड़ा क्योंकि कुछ रीजन था। आप उस रीजन को सुनेंगे भाई तो आप मुझे माफ कर ही देंगे। सो गाइज मैं रीजन आपको बता दूँ कि क्या रीजन था कि इतने टाइम से योगिता और रामन जो है वीडियो में नहीं आ पा रहे थे, फैमिली व्लॉग्स में अपलोड नहीं कर रहा था, ठीक है। वो बताता हूँ मैं रीजन। सबसे पहले देख लेते हैं आपकी भाभी जो खाना बना रही है, क्या बनाया खाने में, ठीक है जी। चलो अंदर चल के दिखाता हूँ। सो आपकी भाभी ने यहाँ पे चिकन राइस बनाकर तैयार कर दी है। ये राइस है। सो ठंड हो चुकी है भाई हमारे यहाँ पे चाइना में, ठंड बड़ी ज्यादा हो चुकी है। तो देख सकते हैं आपके भाई ने घर के अंदर भी जैकेट पहन के रखी है, मोटी वाली। तो ये रहे आपके भाभी और भतीजा अमन। तो घर पे सफाई चली हुई है क्योंकि काफ़ी टाइम बाद घर वापस आए हैं और आपका भतीजा बड़ा भी हो गया काफ़ी। ये देखिए मस्तियाँ भी बहुत करता है अब। आपको भी देख के अच्छा लगेगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है भाई जब घर पे रहता है ये। ये देखिए गाइस योगिता बोल रही है बैठ के यहाँ पे बोल रही है कि तेरे बॉडी के बाल जो है ना तो सारे यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ये देखो भाई सफाई कर रही है, बेड झाड़ते हैं ना। तो ये बच्चे के लिए लगाया हमने ग्रिल सा यहाँ पे ताकि रात को सोया सोया नीचे ना गिर जाए अमन, इसके लिए हमने ये ग्रिल लगाया हुआ है। उस साइड पे दीवार है, इस साइड पे भी दीवार है और यहाँ पे ये ग्रिल लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं सोता हूँ अमन योगिता और तब नीचे नहीं गिरता, अमन सेफ रहता है। सो गाइज यहाँ पे मेरे बालों की वजह से ये दोनों परेशान है अमन योगिता। यार देखो भाई मेरे पूरे बॉडी में बाल हैं और सच में मतलब बहुत ज़्यादा बाल है, तो इसको ना साफ करवाना पॉसिबल से नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा है यार। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन यार जैसे कुत्तों के बाल झड़ते हैं ना वैसे मेरे भी झड़ते हैं तो पूरे शरीर में इतने ज्यादा यार झड़ते तो रहेंगे, तो कभी कभी कुत्तों वाली फीलिंग आ जाती है। तो ये देखो यार आपका भतीजा जो है अभी बड़ा हो रहा है भाई, बड़ा हो रहा है, पूरा दिन जंप करेगा, मस्ती करेगा। जंप करो बेटा, 1 2 3 करके दिखाओ, 1 2 3 योगा करके दिखाओ। योगा योगा कैसे करते हैं पापा? योगा करो, करो योगा, योगा जंप नहीं करना, योगा करके दिखाओ, ऐसे जंप। दूध बाहर निकालो फिर बोलो जंप। सो जाओ सो जाओ, आइज बंद करके सो जाओ। आइज कहाँ है आपकी? आइज बंद करो, आइज बस। सो भाई बहुत सारे हमारे YouTube परिवार के सदस्य पूछते हैं कि अमन कौन सी भाषा बोलेगा, तो ये हिंदी, इंग्लिश और चाइनीज तीनों भाषा बोलता है, समझता भी है और उसी पे रिएक्ट भी करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने बोला कि आईज बंद करो, सब बंद करता है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि क्यों हमारे फैमिली ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे। पहली बात जो है योगिता जो है छांगछुन सिटी में नहीं थी। पिछले टाइम जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा था यहाँ पे 3-4 महीने का, तो उस समय पे जो है योगिता की बुआ की सगी बुआ की लड़की की डेथ हो गई थी नदी में गिरने से, और हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो गई थी। एक तो पानी में गिरी, दूसरा बचाने के लिए गया, स्लिप हुआ पैर, तो दोनों की डेथ हो गई, उनका छोटा सा बच्चा रह गया। उन दिनों हम लोग बहुत परेशान थे, यहीं पे छांगछुन सिटी में थे, आप लोगों के साथ भी मैं वो बातें शेयर नहीं कर पाया। तो बहुत परेशानी चल रही थी, रोज़ रोज़ का योगिता का रोना और जा नहीं पाती थी अपनी फैमिली के पास, है ना, रोज़ वहाँ से भी फ़ोन आ रहे, हर कोई फ़ोन कर रहा है कि तुम कब आ रहे हो, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पर कोई भी कहीं नहीं जा सकता है यार, क्या करें। तो जब लॉकडाउन खुला तो मैंने कहा देखो अभी आप जाओ और अपना मिल के आओ। चमला चमला
जो भी जॉब करते हैं उनको जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर ऐसे ही अलाउ नहीं होता है जाना, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना अगर आपको हो गया तो फिर आपकी जॉब चली जाएगी, मतलब फिर छुट्टी लेनी पड़ेगी। जो ड्यूटी मुझे लग गई थी यूनान प्रोविंस जाने की, तो मैं वहाँ पे चला गया था। फिर वहीं से मैं जो भी मेरा लाइफस्टाइल में चलता है यार, मैं तो वही दिखाता हूँ व्लॉग में ना, जहाँ पे मैं रहता हूँ जो रियलिटी होती है वही। तो मैं था चांगचुंग से यूनान प्रोविंस चला गया था, और ये लोग गए थे अपने नानी के घर, अमन के नानी के घर। तो ये दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, 4,000 से 5,000 किलोमीटर दूर थे मेरे से। अभी वापस आ गए तो ये लोग अभी व्लॉग्स में आते रहेंगे। चलिए गाइस, सो गाइस पहले मैं इसको सो गाइस यहाँ पे बेडशीट लगाने में थोड़ा मुश्किल होता है, मैं इसमें हेल्प कर लेता हूँ। अदरवाइज आप कमेंट में लिखेंगे भाभी की हेल्प नहीं करता है, वीडियो बनाता है, खाली 2-4 गालियां भी लिख देते हो फिर कमेंट में, है ना। फिर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ बेडशीट लगाने के बाद। मम्मा को बहुत परेशान करता है। सो गाइस लास्ट टाइम जब अमन ब्लॉग में आया था तब से लेके अब तक आपको क्या चेंज इसमें दिखा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भाई, आपके भतीजे में कितना चेंज आ गया। खड़ा हो जा, आजा नीचे नीचे आजा। नीचे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, 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 आ जाओ। मैं गुदगुदी कर देता हूँ, गुदगुदी 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 करूँ, गुदगुदी हैं करूँ, गुदगुदी गुदगुदी कर दूँ मैं ऐसे गुदगुदी। सो गाइस फाइनली हमने अपनी रजाई के ऊपर जो है कवर चढ़ा दिया है, नया कवर, नया बेडशीट और नए पिलो कवर। बहुत मुश्किल है भाई, शादी से पहले बहुत इजी हुआ करता था, एकदम से हम इसको हैंडल कर लेते थे ये सारी चीज़ें। अब देखो भाई इसको उठाना ही मुश्किल हो जाता है। निकलो, आ जाओ, आ जाओ। उसको मतलब ये सब बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। दूध लेके क्या कर रहे हो? दूध पापा को दे दो, पापा को दे दो, सब कुछ दे देगा, ये नहीं देता। दे दो, दे दो, दे दो, देखो नहीं दूंगा। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या लेना है? दूध लेना है? हाँ जी, हाँ जी, है ये लो। ले लो, ले लो। हाँ जी, हाँ, गुड बॉय। बाहर आजा, खाना खा ले, खाना। सो गाइस इसके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती हो गई है भाई, बहुत थक जाता हूँ कसम से इसके साथ खेलते खेलते, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है यार, सच में मज़ा बहुत आता है। जिसके घर में बच्चे हैं तो उनको तो पता ही होगा, क्या आपके घर में छोटे बच्चे हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भाई। और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक भी कर देना वीडियो को, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई। सो आपकी योग्यता भाभी यहाँ पे अमन की चेयर लगा रही है, उसका खाना लगा रही है, ये अमन का खाना है और ये मेरा खाना है, और सो आप लोगों को पता होगा हमारा लाइफस्टाइल तो बिल्कुल सिंपल रहता है, हमें कोई ऐसा नहीं कि हाई स्टैंडर्ड वाली लाइफ चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो हमारे पास यहाँ पे 3-4 साल से सोफा नहीं था, हमने लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक है उससे डिमांड भी नहीं की थी। लेकिन अभी जो है ना कुछ टाइम पहले देखा कि यार ज़रूरत है, बच्चा हो गया है ना, कुछ फ्रेंड्स भी आते हैं, तो इसलिए ना उनसे बोल के आपने सोफ़ा मंगवा लिया। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो पता होगा यहाँ पे कवर थोड़े गंदे से लगे हुए थे, वो सेकंड हैंड मतलब सोफ़ा आप मान सकते हैं, क्योंकि मकान मालिक के घर में था, ये यूज़ किया हुआ था। तो मैंने क्या किया उसके, मैंने कहा नया क्यों लेना यार, कि कवर चेंज करते हैं ठीक है, और हमें कौन सा परमानेंट ही रहना है इस घर में। तो हमने कवर चेंज किया, तो कैसा लग रहा है आप देख के बताइए। अभी थोड़ा ठीक सा हो गया वैसे। ये देखो दोस्तों, ये आपके भतीजे की बुक्स हैं सारी की सारी, और कुछ जो है यहाँ पे इंग्लिश में है और कुछ चाइनीज़ में है। अभी हिंदी वाली मुझे मिली नहीं थी, तो हिंदी तो खैर मैं खुद ही सिखा देता हूँ। और ये यहाँ पर अमन के टॉयज है, आप लोग देख सकते हैं। और घर के बाहर का व्यू देखने के लिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बाहर का व्यू भी दिखाओ कभी। तो भाई ये बाहर का व्यू है,
आप देख सकते हैं फ्रंट पे ये बड़ी बिल्डिंग्स है, हमारी बिल्डिंग भी इतनी ही ऊंची है और 14 फ्लोर पे हमारा घर है। काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होती है भाई, नीचे देखने में भी डर लगता है कभी कभी यार। पता नहीं क्या करना पड़ेगा, आपका भतीजा जब भी बाहर जाता है ना भाई, जहाँ भी टॉयज देखता है, कोई भी टॉय देखता है, उसको बस घर लेके आता है, बस बाहर जिद करता है, लेट जाता है मिट्टी में, मेरे को टॉय दे लाओ, मेरे को ये खिलौना चाहिए तो चाहिए, मतलब इसका ये होता है, फिर लेना पड़ता है, देना ही पड़ता है, क्या करें। और अमन की एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ आपको, क्योंकि अमन घर आ गया तो दिखा देता हूँ। ये इसका देखिए छोटा सा यहाँ पे पोटी वाला पोट है, अभी तक इसमें पोटी की नहीं, इसमें इसका उद्घाटन अभी हुआ नहीं है, जब इसके अंदर अगर टट्टी कर देगा उसके बाद हम इसको लेके बाहर फेंक देंगे। ये छोटा वाला जो पोट है ना, इस पर सिर्फ बच्चे को ट्रेनिंग देनी है, डिसिप्लिन सिखाना है, उसके बाद जो है वो तो बड़े वाले पोट पे इजीली सीख जाएगा। ये देखिए भाई शहजादे को यहाँ पे खाना खाते हुए जो है ट्रक हाथ में चाहिए हमेशा। जोर लगाओ, पोटी करो। मैंने सोचा यार सब कुछ शूट कर लिया तो ये वाला शूट भी कर ही लेते हैं भाई। अमन का एक अलग ही स्टैंडर्ड है, जो उसके लिए पोटी करने के लिए हमने पोट मंगाया ना, उस पर बैठ के पोटी नहीं करता, नीचे बैठ के पोटी करता है, और उसको चाहिए हाथ में कुछ ना कुछ जोर लगाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं भाई, इसके हाथ में देखो ट्रक पकड़ा दिया है, या कुछ भी चाहिए मम्मा के हाथ पकड़ लेगा यहाँ पे और जोर लगाएगा फिर पोटी करने। पोटी कर रहा है, पोटी जोर लगाओ। ये काफ़ी अच्छा हो गया है, बड़ा हो गया है, तो पहले जो था इसके निकल जाता था टट्टी, तो फिर हमें थोड़ी देर बाद पता लगता था, कभी कभी हम अपना बिजी हैं कार्यक्रम में, घर के काम में हम बिजी हैं, तो पीछे सूख जाती थी टट्टी इसके, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बोल देता है पापा। हाँ जी पापा, पूरे चौ नहीं ना, थोड़ा पापा, पापा और पापा। क्या खा रहे हो, दही खा रहे हो? तो इतना जोर क्यों लगाया हुआ है, इतना जोर, इतना दूध दू बेटा, इतना जोर क्यों लगाया हुआ, पैकेट तो खाली हो गया। हे गाइस, सो अब मैं पहुंच चुका हूं योगा सेंटर में, मेरी एक योगा क्लास है, शाम की योगा क्लास है, और योगा क्लास करने के बाद फिर से मैं घर वापस जाऊंगा। तो फैमिली व्लॉग आज काफ़ी दिनों बाद अपलोड किया है, सो रीज़न भी मैं बता चुका हूं गाइस कि फैमिली व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि योगिता की जो सगी बुआ की लड़की है उसकी डेथ हो गई थी, उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, और पूरा परिवार जो है शॉक में था। ये लोग अपने फैमिली के साथ मिलने के लिए गए थे और मैं अपने यहाँ पे योगा सेंटर पे सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है यहाँ पे बिजी था, तो इस वजह से हमारे फैमिली व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। आई होप आप लोग समझने की कोशिश करेंगे।